जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। चलो सतत शिक्षा ले बदले देश के कुछ हालात, उम्र नहीं शिक्षा की कोई न कोई इसकी जात। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। रोजगार के गुर भी सीखो केंद्र में आकर, आप बनो आत्मनिर्भर न पसारो किसी के आगे हाथ। सुनो 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 हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। खेलो कूदो नाचो गाओ चलो हमारे साथ, रहे दुखी परिवार पड़ा क्योंकि नशा बुरी है बात। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी सुन लो जी सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना, कलम उठाओ हाथ। कलम उठाओ हाथ, कलम उठाओ हाथ। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई कि मैं घर में काम करती हूँ। इतना पढ़ना लिखना सीख लिया है कि अपना हिसाब किताब रख लेता हूँ, लेकिन आगे पढ़ना चाहता हूँ। मैं कोई काम सीखना चाहती हूँ जिससे कि अपना घर चला सकूँ। सुना है सरकार ने गाँव के लिए कुछ रोजगार योजनाएं बनाई है, हम उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर उनकी जानकारी मिले तो उससे कुछ लाभ उठा सके। एक गांव में काम करते करते थक जाते हैं, अगर खेल कूद और गाना बजाना हो तो मजा आ जाए गांव में। मास्टर जी आप कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां इन सभी की इच्छाएं पूरी हो सके? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसी जगह है, आओ आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। कोई पानी वानी पिएगा भैया? मास्टर जी आप आओ बैठो, मैं तुम लोगों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने गांव के स्तर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसे कहते हैं सतत शिक्षा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि आपको शिक्षा तो मिलेगी लेकिन इसके साथ साथ अपने काम को सुधारने और अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने के मौके भी मिलेंगे। भाई वाह, बहुत खूब, वाकई में बहुत अच्छी बात है ये। बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, ये सतत शिक्षा केंद्र के बारे में कुछ और बताइए ना। देखो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी एक योजना है कि जिला साक्षरता समिति के माध्यम से गाँव के स्तर पर सतत शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए, क्योंकि अभी तक जहां भी गांव में साक्षरता शिविर लगाए जाते थे वे केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही होते थे। अच्छा। यानी कि ये शिविर स्थायी नहीं होते थे। जी हाँ। इसी वजह से वहां जाकर के लोग
सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, लेकिन सतत शिक्षा केंद्रों में शिक्षा के कार्यक्रम सतत यानी कि लगातार जारी रहेंगे। वहां जाकर कोई भी साक्षर या निरक्षर व्यक्ति जीवन भर शिक्षा, काम और अपनी जीवन शैली को सुधारने के कार्यक्रमों में लगातार भाग ले सकेगा। ये सतत शिक्षा केंद्र स्थायी शिक्षा केंद्र होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नव साक्षर, खास करके नव साक्षर महिलाएं अपनी पढ़ाई लिखाई को जीवन भर जारी रख सकेंगी, यानी कि लगातार सतत शिक्षा। कुछ लोग जो बचपन में ही स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें भी अपनी पढ़ाई फिर से जारी करने का अवसर मिलेगा। बहुत सी गैर सरकारी और सरकारी विकास योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों को दी जाएगी, और ऐसे अवसर जुटाए जाएंगे कि लोग उन कार्यक्रमों में शामिल होकर उनका लाभ उठा सके। और फिर कुछ राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, छोटा परिवार, सुखी परिवार, महिला समानता और पर्यावरण संरक्षण वगैरह। इन मुद्दों के बारे में भी लोगों को समझाया जाएगा, इसकी समझ पैदा की जाएगी। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम वगैरह। इन कार्यक्रमों से लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारने की कोशिश की जाएगी, उन्हें रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिए जाएंगे। और हाँ, इसके अलावा मनोरंजन, खेलकूद, किस्से कहानियाँ और गाने बजाने के कार्यक्रम होंगे, ताकि लोगों में छिपे हुए हुनर उभर कर सामने आ सके। और इसके अलावा जो लोग अब भी अनपढ़ हैं, उनके लिए भी साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि सतत शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया, तुम लोगों की समझ में कुछ आया? बिल्कुल आया जी, बिल्कुल आया। जरा बताओ मास्टर जी, सबसे बड़ी जानकारी तो हमें ये मिली कि ये जो कार्यक्रम है ये सबके लिए है, चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर। बिल्कुल। और सरिता बहन, ये सतत शिक्षा कार्यक्रम जो है ना, ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने जीवन स्तर में सुधार लाना चाहते हो। और यही नहीं, इस कार्यक्रम में लोगों के मानसिक एवं आर्थिक स्तर को भी सुधारा जा सकेगा। इन कार्यक्रमों में गाना बजाना, नाचना सब होगा, मतलब ये कि लोगों को खूब मजा आएगा। शाबाश, बहुत खूब, तुम लोग तो सतत शिक्षा कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हो। जी हाँ मास्टर जी, ये कार्यक्रम तो है बहुत बढ़िया, पर इसे कहाँ और कैसे शुरू किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए ना। बताता हूँ, इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें? मास्टर जी, उंगली पकड़ ली है ना, इसीलिए अब पोंछा पकड़ने को दिल कर रहा है। सतत शिक्षा केंद्र केवल उन जिलों, इलाकों और गांवों में खोले जा सकते हैं जहाँ पर साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता अभियान सफलतापूर्वक चल चुके हों और उनका बाहरी मूल्यांकन भी हो चुका हो। या फिर ये केंद्र ऐसे जिलों में खोले जा सकते हैं जहाँ की साक्षरता दर कम से कम 60% हो। और हाँ, आम तौर पर एक केंद्र 2,000 से 2,500 की आबादी के लिए होगा, पर हाँ, इस आबादी में से कम 500 नव साक्षर अवश्य होने चाहिए। 10 केंद्रों में से किसी एक केंद्र को मुख्य केंद्र या नोडल केंद्र बनाया जाएगा। इस नोडल केंद्र में सुविधाएं या संसाधन अधिक उपलब्ध रहेंगे, जैसे वहां टेलीविजन होगा, टेलीफोन होगा, ऑडियो कैसेट्स होंगी, वीडियो कैसेट्स होंगी, और निकट भविष्य में हो सकता है कि वहां पर कंप्यूटर भी हो। इन मुख्य केंद्रों यानी कि नोडल केंद्रों का कार्य अपने अंतर्गत आने वाले सभी सतत शिक्षा केंद्रों को तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करना भी होगा। वैसे तो सभी नोडल केंद्र दूसरे केंद्रों की तरह अपना अपना कार्य भी करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ नोडल केंद्र बाकी सतत शिक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग भी करेगा। मतलब? नहीं समझे। मतलब ये कि जब किसी सतत शिक्षा केंद्र को किसी किस्म की कोई कठिनाई आएगी तो नोडल केंद्र उसकी मदद करेगा, क्योंकि नोडल केंद्र ही बाकी सतत शिक्षा केंद्रों की देखरेख करता।
अब समझे सलीम जी कि सतत शिक्षा कार्यक्रम शुरू कहाँ से होगा? हाँ मास्टर जी, सतत शिक्षा केंद्र से। यही नहीं, एक ऐसा केंद्र भी स्थापित किया जाएगा जो जरूरत पड़ने पर इन सभी सतत शिक्षा केंद्रों की मदद करेगा। और वो होगा नोडल केंद्र, यानी कि मुख्य केंद्र। हाँ चलो, तुम लोग ये तो समझ गए कि ये सतत शिक्षा केंद्र है क्या और ये किसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसकी गतिविधियों के बारे में बताता हूँ, मतलब ये कि यहाँ होगा क्या क्या। सबसे पहले तो इसमें होगा एक पुस्तकालय। क्या होगा? पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय स्थायी भी हो सकता है और ये चलता फिरता भी हो सकता है, लेकिन उसमें हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए सबके पढ़ने के लिए। ठीक। पठन कक्ष, ये एक ऐसा स्थान होगा जहां स्कूल ड्रॉप आउट तथा अन्य लोगों के लिए पढ़ाई की सुविधा होगी। प्रशिक्षण कक्ष, यहां लोगों में हुनर पैदा करने और उन्हें बढ़ाने वाले रोजगारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। सूचना कक्ष, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए एक सूचना कक्ष होगा जहां लोगों को हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। चर्चा मंडल, लोगों के विचारों का आदान प्रदान और समस्याओं का हल करने के लिए मिलजुल कर विचार विमर्श करने की जगह होगी। सांस्कृतिक और खेलकूद कक्ष, ये एक सांस्कृतिक गतिविधियों और मनोरंजन व स्वस्थ जीवन के लिए खेलकूद का कक्ष होगा। और होंगी प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं, यानी कि निरक्षर लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। ये सभी कुछ होगा इन सतत शिक्षा केंद्रों में। और एक बात, हम लोगों ने आज तक कोई भी काम गांव वालों की मर्जी के बगैर नहीं किया है, तो फिर ये सतत शिक्षा केंद्र भी गांव वालों की मर्जी से ही बनना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये कार्यक्रम, ये केंद्र उनकी बेहतरी के लिए है, उनके भले के लिए है, जो आगे चलकर उनके लिए मददगार साबित होगा। उनके लिए शिक्षा, काम और मनोरंजन के नए नए रास्ते खुलेगा। लेकिन मास्टर जी, हम गांव वालों की सहमति कैसे लेंगे? क्यों, गांव में जब साक्षरता अभियान शुरू किया गया था तो एक ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई थी ना जी, उन लोगों से बात करो। हाँ, और फिर गांव में ग्राम पंचायत भी तो है जी, उन लोगों से बात करो। अगर ये लोग स्वयं तैयार हो जाते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करो, उनकी एक मीटिंग बुलाओ और उन सबको योजना के बारे में ठीक से बताओ। क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है कि अगर शुरू से ही गांव वालों की सहमति ना ली गई, गांव वालों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, तो हो सकता है कि ये भी एक सरकारी केंद्र बनकर रह जाए और हो सकता है कि ये केंद्र बंद भी हो जाए। लेकिन मास्टर साहब, लेकिन हर बात के लिए यदि अगर हम गांव वालों को इकट्ठा करेंगे तो काफी मुश्किलें आ सकती हैं। हाँ ये बात तो है, ऐसे में बेहतर तो यही होगा कि पहले से ही गांव में जो शिक्षा समिति है वही इस सतत केंद्र का भी संचालन करे। या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि गांव में एक नई सतत शिक्षा केंद्र संचालन समिति का गठन कर लिया जाए, और हाँ इस समिति में नव साक्षरों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मास्टर जी, साधन जुटाने और संचालन में सहयोग के अलावा समिति को सारे महत्वपूर्ण फैसले करने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर फैसले लोग उन्हीं के मानेंगे। बिल्कुल ठीक, इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सतत शिक्षा केंद्र की स्थापना और उसका संचालन हम लोग जिला साक्षरता समिति, ग्राम पंचायत और गांव के सभी लोगों की मदद से करें। ठीक जी। लेकिन अब एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जो हमने अभी तक बात नहीं किया जिसके बारे में, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो क्या है? मास्टर जी वो बोलो। सलीम, सरिता तुम बोलो। मास्टर जी हमें लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है ये केंद्र खुलेगा कहाँ, मतलब कि इसका स्थान कहाँ पर हो। बिल्कुल ठीक, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि सतत शिक्षा केंद्र खोला कहाँ जाए जी।
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र ऐसी जगह खोल दिया जाए जहां पर लोगों को आने जाने में ही कठिनाई हो और फिर लोग इसका लाभ ही ना उठा सकें। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र गांव के ठीक बीचों बीच हो और वहां पर सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग आराम से आ जा सकें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कमरा इतना बड़ा हो कि 30, 35 या 40 लोग बड़े आराम से उसमें बैठ सकें, ठीक है। और केंद्र के बाहर बोर्ड या दीवार पर सतत शिक्षा केंद्र या फिर कोई भी अपनी पसंद का दूसरा नाम जैसे जन जागरण केंद्र वगैरह मोटे मोटे अक्षरों से लिख देना चाहिए ताकि दूर से भी दिखाई दे। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है। तब ठीक है। वैसे कुछ उदाहरण ऐसे भी हुए हैं कि गांव के लोगों ने स्वयं चंदा इकट्ठा करके या फिर अन्य ग्राम विकास योजनाओं के अंतर्गत जगह का विशेष रूप से प्रबंध किया। आप चाहें तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा। भाई देखो, ये केंद्र है बस्ती का, गांव के लोगों का, तो फिर इसके लिए जगह का बंदोबस्त भी तो गांव के लोगों को ही करना चाहिए ना। जी वास्तव। भाई जो बस्ती या जो गांव जगह का प्रबंध कर पाए केंद्र वहीं खोला जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि गांव के लोगों को ये बताया जाए कि ये सतत शिक्षा केंद्र उतना ही जरूरी है जितना गांव के लिए बिजली, सड़क, कुआं वगैरह, ठीक है ना? मास्टर जी, इसका मतलब कि जहां कहीं केंद्र के लिए जगह ना मिले वहां हम अपना ये कार्यक्रम नहीं कर सकते? क्यों, जगह क्यों नहीं मिलेगी? और मान लो किसी कारण से जगह नहीं भी मिलती है तो आप लोग आसपास के स्कूलों से मदद ले सकते हैं, कम से कम उनसे एक आध कमरा लेकर काम तो शुरू कर सकते हैं। मास्टर जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं तो आज ही अपने गांव की पंचायत में सतत शिक्षा केंद्र के बारे में बात करूंगी। मास्टर जी, केंद्र तो खुल जाएगा पर उसमें किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा सलीम। इससे पता लगता है कि तुम लोगों ने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया। अच्छा बताओ, पढ़ने लिखने के लिए क्या सामान चाहिए? मास्टर जी, किताबें, अखबारें, पत्रिकाएं, कॉपियां, कलम, पेंसिल वगैरह, ठीक है। अब ये सब सामान रखने के लिए क्या सामान चाहिए? मास्टर जी, रखने के लिए रैक, अलमारियां और संदूक भी होनी चाहिए। और बैठने के लिए मास्टर जी क्या? तखत, दरिया और ऐसे मूड़े। अरे हाँ मास्टर जी, वो लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड भी तो होना चाहिए। बहुत अच्छे, लिखने के लिए श्याम पट का होना बहुत जरूरी है। और मास्टर जी, रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स, लालटेन और बल्ब, अगर किसी गांव में लाइट है तो। बिल्कुल सही। और खेलने के लिए क्या सामान चाहिए? मास्टर जी, जैसे फुटबॉल, गेंद बल्ला, कैरम और लूडो वगैरह। जी मास्टर जी। एक चीज और, कि नव साक्षरों और निरक्षरों के पढ़ने के लिए खास किस्म की किताबें चाहिए, वो क्या हो सकता भला? मास्टर जी, बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ मोटे मोटे अक्षरों में लिखी हुई कहानियाँ ऐसी, और जो सीधी सादी भाषा में, सीधी सादी, ठीक है ना जी। और मास्टर जी, मनोरंजन के लिए? हाँ, मनोरंजन के लिए बोलो क्या? हारमोनियम, ढोलक, मंजीरा, घुंघरू, ढपली। बिल्कुल सही भाई, गांव की स्थिति को देखते हुए जैसी जगह हो वैसा सामान चाहिए। जी मास्टर जी, ठीक है ना। लेकिन मास्टर जी, ये तो ढेरों सामान हो जाएगा। भाई जब इतना बड़ा केंद्र खुलेगा तो सामान तो ढेरों होगा ही, नहीं? जी, लेकिन इस सारे सामान को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी तुम प्रेरकों की ही रहेगी। अब ये नहीं होना चाहिए कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहे और कोई इसका ढंग से इस्तेमाल भी ना कर सके। भाई हर सामान को रखने की उसकी एक निश्चित जगह होनी चाहिए। मास्टर जी, हमारे गांव में ना औरतों को नाचने गाने का बहुत शौक है। मैं तो केंद्र खुलते ही सारी औरतों को इकट्ठा करूंगी और खूब नचाऊंगी। और जानते हैं, कांति मौसी और कजरी चाची को तो मैं ढोल बजा बजा के खूब नाचूंगा। बहुत अच्छे, लेकिन सामान का ध्यान रखना मत भूल जाना, ठीक है? जी मास्टर जी। मैं तो खेल कूद की प्रतियोगिता कराऊंगा, देख लेना, इस बार इनाम मेरे जिले के लड़कों को ही मिलेगा। अरे क्यों क्यों, लड़कों को क्यों, लड़कियों को क्यों नहीं, क्या लड़कियां नहीं खेल सकती? बहुत अच्छे सरिता, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। लेकिन आप लोग क्या मुझे ये बता सकते हैं कि सतत शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए
पैसा कहाँ से आएगा? मास्टर जी ये जानकारी तो रह ही गई। और मास्टर जी ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। अरे हाँ मास्टर जी, इसके बारे में भी तो प्रकाश डालें। भाई देखो, सतत शिक्षा कार्यक्रम को भली भांति चलाने के लिए प्रथम 3 वर्ष तक तो हमारे देश की केंद्रीय सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, लेकिन ये सहायता केवल उन्हीं केंद्रों को दी जाएगी जिनका अनुमोदन राज्य सरकार या फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कर देंगे, उसके बाद ही मिलेगी। और अगले 2 वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सतत शिक्षा केंद्रों पर होने वाले पूरे खर्चों को आधा आधा वहन करेंगे, लेकिन 5 वर्ष हो जाने पर इन केंद्रों को चलाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जिन्हें वे पंचायती राज्य संस्थानों या दूसरे स्थानीय संस्थाओं की मदद से पूरा करेगी। ग्राम शिक्षा समितियां इस पैसे को इकट्ठा करने का कार्य करेंगी तथा वो अपने केंद्र पर सदस्यता शुल्क भी इकट्ठा करेंगी। अच्छा एक बात बताओ कि ये सतत शिक्षा केंद्र जब बन जाएगा तो ये कहलाएगा किसका? मास्टर जी ये तो हमारा ही होगा। पर हमारे से मतलब? हमारे से मतलब है मैं, ये मेरे दोस्त, मेरे गांव के सभी लोग, यानी बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब। मास्टर जी मतलब पूरे गांव का है ये केंद्र? तो फिर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी किसकी हुई? पूरे गांव की मास्टर जी। तो बात समझ में ये आई कि अगर केंद्र में किसी चीज की जरूरत हुई तो उसे सभी गांव वालों को मिलकर ही पूरा करना होगा, है ना मास्टर जी? हाँ, और इसमें किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए होगा कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड? हाँ कॉर्पस फंड। और ये कॉर्पस फंड इकट्ठा किया जाएगा सब गांव वालों की मदद से, यानी कि सभी लोग कुछ ना कुछ पैसा अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस फंड में डालेंगे और उसी पैसे से पूरे केंद्र के रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। चलो जी ये जानकारी भी मिल गई, पर मास्टर जी ये बताएं कि इस सतत शिक्षा केंद्र को चलाएगा कौन? आप जैसे प्रेरक। प्रेरक? प्रेरक? मास्टर जी ये प्रेरक ये क्या नाम हुआ भला? जो आदमी दूसरों के भले के बारे में सोचता है, उनके बारे या उनके भले की सोचता है, उसे कहते हैं प्रेरक, और आप लोग हैं वो प्रेरक। यानी कि मास्टर जी अब हम वॉलेंटियर नहीं प्रेरक कहलाएंगे? सरिता तुम भी ना बस। अरे हम कहलाएंगे नहीं, हम तो है ही प्रेरक, क्यों मास्टर जी? लेकिन सही मायने में प्रेरक हम तब बन पाएंगे जब हम सतत शिक्षा केंद्र में लोगों को फायदा पहुंचा पाएंगे, क्यों, है ना मास्टर जी? हाँ, लेकिन उससे पहले जिला साक्षर समिति तुम लोगों का चुनाव करेगी, वो भी सब लोगों के सामने। तो क्या मास्टर जी राष्ट्रीय साक्षरता समिति करेगी हम सबका चुनाव? हाँ एकदम खुली मीटिंग में, यानी सबके सामने लिया जाएगा हमारा इंटरव्यू। बिल्कुल यही तरीका है सही प्रेरकों के चुनाव का। पर हाँ प्रेरक को कम से कम 10वीं पास जरूर होना चाहिए और नोडल प्रेरक को कम से कम ग्रेजुएट। वैसे हर एक शिक्षा केंद्र में प्रेरक का एक सहायक प्रेरक भी रहेगा। अच्छा जी मास्टर। और इस कार्य के लिए नोडल प्रेरक को मिलेंगे 1200 रुपए महीना जी, और प्रेरक को मिलेंगे 700 रुपए महीना, और सहायक प्रेरक को मिलेंगे 500 रुपए महीना। भाई बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। ये जानकारी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपने आप को एक अच्छा प्रेरक साबित कीजिए। हम तो बिल्कुल तैयार हैं मास्टर साहब। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कीजिएगा, एक दूसरे के सहायक बनिएगा। ठीक है, तो ठीक है। जय साक्षरता। जय साक्षरता। जय मास्टर साहब, खुदा हाफिज़। ठीक है, राम राम। सुनो जी सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ। सुनो सुनो जी सुन लो जी, सुनो हमारी बात, पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ।
सतत शिक्षा ले बदले देश के कुछ हालात। उम्र नहीं शिक्षा की कोई न कोई इसकी जात। सुनो सुनो जी सुनो जी सुनो हमारी बात। पढ़ लो लिख लो मानो कहना कलम उठाओ हाथ। रोजगार के गुर भी सीखो केंद्र में आकर